नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों आज यानी कि 4 अगस्त से शुरू होने जा रही है इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला, और इस श्रृंखला में भारतीय टीम का असल में टेस्ट होगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज इंग्लैंड की लहराती हुई विकेट्स पर होगी। और साथ ही साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे सर्किल भी इसी सीरीज से स्टार्ट होगी। यहाँ पर पहले सर्किल में भारतीय टीम ने फाइनल तक का सफर जो है वो तय किया था, और फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों उनको हार मिली थी। लेकिन दोस्तों अब दूसरा सर्कल शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर भारतीय टीम पलटवार करना चाहेगी, और जब जब मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ होता है तो भारतीय टीम जरूर से जीतना चाहेगी। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी मैच के बारे में, आपको बताएंगे इस मैच की प्लेइंग 11 स्ट्रैटेजी, पिच प्रेडिक्शन और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टीम न्यूज़ दे देता हूँ। तो मयंक अग्रवाल पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं कंकशन के चलते। उनको प्रैक्टिस के दौरान मोहम्मद सिराज की एक बाउंसर जो थी वो उनके सर के पिछले वाले हेलमेट के हिस्से पर लगी थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कंकशन का शिकार बन गए, और मेडिकल टीम जो है वो उनको मॉनिटर भी कर रही है। तो उनकी जगह पर अब उन्हीं के जिगरी दोस्त केएल राहुल रोहित शर्मा के साथ में ओपन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोस्तों केरला के अभिमन्यु ईश्वरन भी एक विकल्प हो सकते हैं, और हनुमा विहारी भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन जहां तक है केएल राहुल ही इस मैच में रोहित शर्मा के साथ में ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या टीम इंडिया दो स्पिनर्स के साथ में जाती है या फिर नहीं, जैसा कि उन्होंने WTC फाइनल में किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन मुझे जहां तक लगता है एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज के साथ में टीम इंडिया जाएगी, और केवल एक स्पिनर के साथ में टीम इंडिया उतरेगी, और 4 तेज गेंदबाजों के साथ में। यहां पर अगर गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों सिराज के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। और बल्लेबाजी की बात करें तो शार्दुल को, क्योंकि दोस्तों वो डाउन द ऑर्डर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये विराट कोहली को डिसाइड करना है कि उनको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो डाउन द ऑर्डर बल्लेबाजी भी कर सके, या फिर एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो कि अपनी लहराती हुई गेंदों से सामने वाली विरोधी टीम के बल्लेबाजों को आउट करे। दोस्तों बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो भारतीय टीम की तरफ से यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि केएल राहुल के साथ में रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा, डिपेंडेबल पुजारा हम इनको बोल सकते हैं। नंबर 4 पर खेलेंगे विराट कोहली, नंबर 5 पर खेलेंगे अजिंक्य रहाणे, नंबर 6 पर ऋषभ पंत, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा खेलेंगे। दोस्तों यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे पर काफ़ी ज़्यादा दारोमदार रहेगा। अगर उनको इस टेस्ट सीरीज में जीत के साथ में शुरुआत करनी है तो इन तीनों को रन्स बनाने होंगे, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुजारा के बल्ले से शतक आए काफ़ी टाइम हो गया है, विराट कोहली के बल्ले से शतक आए काफ़ी टाइम हो गया है, और अजिंक्य रहाणे के बल्ले से भी शतक आए काफ़ी टाइम हो गया है। तो यहाँ पर इनको चलना ही होगा अगर टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत करनी है सीरीज में और टेस्ट मैच सीरीज जीतनी है। अदरवाइज दोस्तों मैच जो है ना वो इंग्लैंड ले जाएगी। वहीं पर नंबर 6 पर ऋषभ पंत हैं और 7 पर रविंद्र जडेजा खेलेंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 पर मोहम्मद शमी, नंबर 9 पर ईशान शर्मा, नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज और 11 पर जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन होंगे। 4 तेज गेंदबाजों में यहां पर शमी, सिराज, ईशांत और बुमराह। यहां पर दोस्तों सिराज काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे देखा जाए तो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छा करके आए थे, 5 विकेट हॉल भी इन्होंने लिया था। तो यहां पर सिराज के लिए ये सीरीज ड्रीम कम ट्रू वाली सीरीज हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इनका एक्शन और इनकी गेंदबाजी ही उस तरह की, और काफ़ी तेज गति से गेंदबाजी करते हुए ये नजर आ रहे हैं, और गेंद को स्विंग और सीम दोनों करा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात करें टॉस की, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो ऑब्वियसली गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि कंडीशंस जो है ना वो गेंदबाजों के फेवर में है। तो ऐसा टीमें चाहेंगी कि वो कम से कम स्कोर पर टीमों को आउट करें, और यहाँ पर भारतीय टीम अगर टॉस जीती तो वो पहले गेंदबाजी ही करेगी। यहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स नहीं होंगे इस सीरीज में, जो कि दोस्तों उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि दोस्तों स्टोक्स एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, और इंडिया के खिलाफ ये कुछ ज़्यादा ही चलते हैं, और तो ये ज़रूर इंग्लैंड के लिए बुरी खबर होगी। और केवल ये सीरीज ही नहीं, हो सकता है कि वो IPL भी मिस करते हुए नजर आए। तो राजस्थान रॉयल्स को इनको देखना होगा कि ये आएंगे या फिर नहीं। दोस्तों यहाँ पर बात करें रीज़न की, तो उन्होंने बोला है कि मैं मानसिक तौर पर थोड़ा सा पीड़ित हूँ, मानसिक बीमारी से ग्रस्त हूँ। तो यहाँ पर
जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं क्रिकेट से ब्रेक ले रहा हूं। तो यहां पर बात करेंगे दोस्तों इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से रॉरी बर्न्स के साथ में डॉम सिबली जो है वो ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर जॉनी बेस्टो, नंबर 4 पर जो रूट, नंबर 5 पर जॉस बटलर, नंबर 6 पर डैनियल लॉरेंस और 7 पर ओली रॉबिन्सन खेलते हुए नजर आएंगे, या फिर सैम करन को भी मौका मिल सकता है, इनमें से कोई एक खेलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नंबर 8 पर स्टुअर्ट ब्रॉड, नंबर 9 पर मार्क वुड, नंबर 10 पर जेम्स एंडरसन और नंबर 11 पर जैक लीच। यानी कि दोस्तों एकमात्र स्पिनर होंगे जैक लीच और इसके अलावा जो तेज गेंदबाज है वो 4 तेज गेंदबाजों के साथ में टीम जाएगी। और खास तौर पर दोस्तों जिमी एंडरसन जो है ना वो एक खतरा साबित हो सकते हैं, बहुत ही तगड़े गेंदबाज हैं, दिग्गज गेंदबाज हैं और काफ़ी बार इन्होंने विराट कोहली को फंसाया, तो यहाँ पर इनका इस बार भी टारगेट विराट कोहली होंगे। लेकिन दोस्तों विराट कोहली भी आगे से तैयारी करके आए होंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हेड टू हेड मुकाबलों की। तो दोस्तों हेड टू हेड में अब तक दोनों टीम्स के बीच में कुल 126 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 48 में भारतीय टीम जीती है, तो वहीं 29 मैचों में इंग्लैंड की टीम जीती और 249 मैच जो है वो ड्रॉ भी रहे। और इससे साफ पता चलता है कि भारतीय टीम का पलड़ा जो है वो टेस्ट में कितना भारी है। लेकिन दोस्तों ये आंकड़े जो है ना वो ओवरऑल हैं। और अगर बात करें इंग्लैंड की कि इंग्लैंड में कितने मैच खेले गए, तो इंग्लैंड में दोस्तों 62 बार इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है, जिसमें 34 मैच में इंग्लैंड जीता और 7 मैच में भारतीय टीम, और 21 मैच जो है ना वो ड्रॉ रहे हैं। तो यहाँ पर इंग्लैंड का पलड़ा इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा भारी रहता है, तो यहाँ पर इंडियन टीम को बच के रहना होगा। इसके बाद में दोस्तों बात करें पहले टेस्ट की पिच की। तो दोस्तों पहला टेस्ट मैच जो है ना वो ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगम की ट्रेंट ब्रिज में खेला जाने वाला है। और दोस्तों बात करें पिच की तो पूरी तरह से बॉलर फ्रेंडली रहने वाली है, जहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारी घास देखने को मिलेगी पिच पर, और पहले गेंद से गेंद जो है वो स्विंग और सीम दोनों होगा, मूवमेंट करेगा और बल्लेबाजों की परीक्षा लेता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा दोस्तों इस पिच पर हो सकता है कि स्पिनर्स को भी थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा और जैक लीच के लिए थोड़ा सा कुछ अमाउंट यहां पर हम दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि किस चैनल पर आप इस मैच को देख सकते हैं, तो दोस्तों इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट सोनी 6 HD, सोनी 10.3 और सोनी 10.1 के चैनल्स पर होगा। यहां पर आप इन मैचों का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। बात करें दोस्तों टाइमिंग की, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोपहर के 3:30 बजे से ये मैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 बजे हम मान सकते हैं कि टॉस होगा, 3 बजे टॉस होगा और 3:30 बजे से मैच जो है वो स्टार्ट होगा और रात तक मैच चलेगा। और इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो आंकड़े यही बताते हैं कि इंग्लैंड की ज़मीन पर इंग्लैंड का पलड़ा काफ़ी भारी रहा है। लेकिन ये नई भारतीय टीम, और मुझे जहाँ तक लगता है कि भारतीय टीम के पास में वो गेंदबाजी भी है जो विरोधियों के परखच्चे उड़ा सके, और वो बल्लेबाजी भी है जो कि रनों का अंबार लगा सके। तो मेरे लिए दोनों टीम फेवरेट्स रहने वाली हैं, कोई भी टीम एक दूसरे से भारी नहीं है। तो यहाँ पर 50-50 चांसेस हैं इन दोनों ही टीम्स के मैच जीतने के। बाकी दोस्तों आपके साथ कौन सी टीम जीतेगी ये वाला मैच कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बताएं। और क्रिकेट और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। धन्यवाद।